Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. To start with, we have our chapter number 5, Gram Panchayat. So what happens ki aaj Hadras village mein kya ho raha hai ki pehli baar Gram Sabha ki meeting bulai ja rahi after elections. So har koi bahut hi zyada khush hai, wo dekhna chahte ki aakhir unke dwara elected representatives jo hain वो क्या क्या प्लान्स लाने वाले हैं, वो क्या क्या चीजें करने वाले हैं. सो द ग्राम सभा मीटिंग बिगिन विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज आल्सो कॉल्ड एज सरपंच एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत द पंच प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे. तो ग्राम पंचायत की मीटिंग बिगिन की किस कैसे बिगिन हुई विद प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत जिसको हमने सरपंच का नाम दिया और पंचायत के मेंबर्स ने मिलके उस ग्राम सभा को स्टार्ट किया मीटिंग को. सबसे पहला प्लान था कि जो हमारी रोड है विलेज की जो रोड है उसको रिपेयर करना है और वो रोड क्या कर रही है हाईवे से कनेक्ट कर रही है विलेज के रोड को. आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज. अब क्या है ये डिस्कशन अब उस तरफ बढ़ा जहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि हर इस विलेज में वाटर की शॉर्टेज है क्योंकि पानी की तरफ बात बढ़ी और पानी पे बात चलते चलते वाटर की कमी पानी की कमी के बारे में बात होने लग गई. हुआ क्या देखो. सो हुआ ऐसा कि हमारा एक विलेज का मेंबर है जिसका नाम है तिजिया और विलेजर कॉल्ड तिजिया बिगिंस अ मीटिंग बाय सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैड बिकम वेरी अक्यूट द हैंड पंप वाटर हैज गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू व्हिच द ग्राउंड हैड बीन ड्रिल्ड वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स वुमेन हैव टू गो टू सुरु रिवर व्हिच इज 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर. तो हमारा जो तिजिया है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हरदास विलेज है हमारा वहां पे जो पानी है ग्राउंड वाटर वो बहुत नीचे जा चुका है. बहुत मशक्कत के बाद हमें थोड़ा पानी मिलता है जिसकी वजह से जो विमेन जो हमारे टैप्स है उनमें भी पानी नहीं आ पा रहा क्योंकि कितना खून है भाई वो बिल्कुल नीचे जा चुका है. कहते हैं कि अब इसी वजह से क्या हो रहा है हमारे जो गांव की औरतें हैं उन्हें सुरु रिवर से पानी लेके आना पड़ रहा है जो कि 3 किलोमीटर दूर है. तो दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग क्योंकि 3 किलोमीटर जाते जाते तो आधा टाइम हो जाता है. घर का काम कब करेंगी वो औरतें और अपना काम कब करेंगी वो औरतें. तो वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम सुरु एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन अ विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई. सो अब तिजिया की ये बात सुन के उसी ग्राम सभा का मेंबर क्या बोलते हैं कि अच्छे काम करते हैं सुरु रिवर से पाइपलाइन ले लेते हैं पाइप बिछा देते हैं सुरु रिवर से और टैंकर लगा देते हैं हरदास विलेज में और हरदास विलेज के उस टैंकर से सभी के घरों में पानी मिलेगा. आइडिया अच्छा था लेकिन प्रॉब्लम क्या थी. वैसे की देखो पाइपलाइन वहां 3 किलोमीटर बड़ी पाइपलाइन बिछाने में पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे. दूसरी चीज ये शॉर्टेज वाटर की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है इसको आपको अपने विलेज में ही सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे सॉल्व किया गया. सो व्हाट हैपेंड बट द अदर थिंग दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा पैसे वाला होगा खर्चीला होगा. सो इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पंप एंड क्लीन द वेल फॉर दिस सीजन. तो वो ऐसा ये काम करते हैं ये तो बहुत खर्चीला काम है क्या करते हैं कि थोड़ा सा और गड्ढा कर लेते हैं और हैंडपंप को उस ज्यादा गड्ढे वाले पानी मतलब ज्यादा गड्ढे करके हैंडपंप लगाते हैं ताकि पानी हमें मिल जाए और हमारे वेल्स को क्लीन कर लेते हैं तब तक जब तक पानी की जो शॉर्टेज है. अगर वेल्स में पानी नहीं है तो क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी और फिर जब पानी भरेगा तो हमें साफ पानी मिलेगा. वाह क्या आइडिया है. सो तिजिया सेज दिस इज नॉट इनफ वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड लेवल seems to be going down every year. We are using more water than is seeping into the ground. Now, Tijiya seems very intelligent. ऐसा लग रहा है कि Tijiya बहुत intelligent है कैसे? वो कहता है कि यही काफी नहीं है क्योंकि हर साल पानी नीचे होते जा रहा है हमारा जो पानी का रीच है जो जितनी लंबी हम पाइपलाइन लगा रहे हैं उससे और नीचे पानी होता जा रहा है. तो हर साल हम हैंडपंप को थोड़ी ना लगवाएंगे हर साल नीचे नीचे थोड़ा ना करते जाएंगे
ग्राउंड लेवल के लिए पानी, ये तो और भी ज्यादा उससे एक्सपेंसिव हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे जो पानी है उसके अंदर पानी, मतलब हमारे ग्राउंड के अंदर वाटर की जो सीपिंग है वो बढ़े, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाटर तो ज्यादा निकाल ले रहे हैं ग्राउंड से, लेकिन जितना पानी सीप करना चाहिए उस वाटर को भरने के लिए, उस वाटर के लेवल को ऊपर लाने के लिए, उतना पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा है। हुआ क्या फिर? Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging / refilling it in a village in Maharashtra where he done once gone to visit his brother. So, एक वही का एक villager है Anwar नाम का, वही कहता है कि बात तो सही है भाई कि पानी सीपेगा नहीं, पानी को अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो फिर तो पानी बचने वाला नहीं है। और उसने ऐसा देखा था डिफरेंट डिफरेंट वेज जिसके थ्रू पानी को कंजर्व किया जा रहा था, पानी को बचाया जा रहा था, और उसके थ्रू ग्राउंड वाटर रिफिल हो रही थी, रिचार्ज हो रही थी। और ये चीज कहाँ देखा था उसने? अपने भाई के विलेज में देखा था जो कि महाराष्ट्र में रह रहा था। So, वो क्या बताता है कि इट वॉज कॉल्ड वॉटर शेड डेवलपमेंट, ये जो वॉटर कंजर्वेशन का काम हो रहा था उसको वॉटर शेड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। एंड ही हैड हर्ड दैट गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। अब पैसे फंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि इसने क्या बताया कि इस वॉटर शेड डेवलपमेंट के लिए मनी गवर्नमेंट देती है। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। Everyone thought this was an interesting idea and Gram Panchayat was asked to find about it in detail. So now, वो बताता है कि जो मेरे भाई का विलेज है, जो मेरे भाई का गांव है जहाँ पे ये वॉटरशेड डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे लोग ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, चेक डैम्स बनवा रहे हैं, टैंक्स लगवा रहे हैं, और सबने सोचा कि इसके थ्रू शायद हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है वो थोड़ा सुधरे और पानी हमें मिले। तो ये चीज सबको अच्छी लगी। ग्राम सभा के मेंबर्स ने ग्राम पंचायत को बोला आप इसके बारे में और डिटेल में पता करें। ठीक, नेक्स्ट देखो। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ BPL card below the poverty line which had to be approved by Gram Sabha. Now, जो next item, जो next agenda था इस Gram Sabha की meeting का, वो था finalization of below the poverty line list की, यानी BPL card, वो card जिसमें ये बताया जाता है कि ये इंसान below the poverty line है, यानी वो रेखा जिसके अंदर उसको क्या माना जाएगा, पुअर माना जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है कि उन्होंने एक सेट इनकम की है, एक इनकम सेट की है कि उस इनकम से ऊपर जो लोग हैं वो रिच है। ठीक है, वो ठीक है, रिच रिच भी नहीं, वो नॉर्मल पीपल है। ओके, नॉर्मल है। अब इस रेखा के नीचे जो भी लोग होंगे उनको हम पुअर कहेंगे और उनको हम बिलो पॉवर्टी लाइन के लिस्ट में रखेंगे। पर ये वो लोग होंगे जो कि दो वक्त का रोटी खुद से नहीं जुटा सकते। तो ये जो बीपीएल कार्ड का जो फाइनलाइजेशन होता है, कौन इंसान ऐसा है उसको पहले तो क्या करेंगे, हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स फाइंड आउट करेंगे। अब उन्होंने जो डाटा लिया है वो सही है या नहीं वो कौन बताएगा, वो बताएगा ग्राम सभा के लोग। तो इस ग्राम पंचायत के अंदर, इस सभा के अंदर भी यही हो रहा है कि ग्राम पंचायत ने लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट को अब कंफर्म किया जा रहा है, फाइनलाइज किया जा रहा है ग्राम सभा के आगे। So as soon as list is read out, people begin to whisper. अब जैसे इस BPL कार्ड के, BPL की लिस्ट पड़ी गई, लोगों के अंदर कानाफुसरी शुरू हो गई, लोग एक दूसरे से बात करने लगे। हुआ क्या? Nadwar has just bought the color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? Surajmal muttered to the person sitting next to him. अब एक सूरजमल है, वो अपने बगल में बैठे इंसान को बता रहे कि नटवर ने तो अभी अभी क्या किया है, कलर टीवी लेके आया है और उसके बेटे ने उसे मोटरसाइकिल दी है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में कैसे हो गया? ऑब्वियसली अगर आपके पास कलर टीवी है, मोटरसाइकिल है, तो इट मीन्स कि आपके पास खाने के लिए तो है ही, अदर लग्जरी के आइटम के लिए भी चीजों के लिए भी पैसे है, तो आप फिर बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे हुए? तो यहाँ पे ग्राम सभा का मेंबर ऑब्जेक्शन उठा रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा अभी देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे विस्परिंग स्टार्ट है, बहुत सारे लोग अपने अपने राय और प्रतिक्रिया रख रहे हैं, ठीक है। सो सूरज सेज टू सुखी बाई, हाउ डिड बिरजू'स नेम गेट ऑन द लिस्ट, ही हैज सो मच लैंड,
दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पी पुअर पीपल. आप कहता है कि अरे वर्चू का नाम यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे तो सिर्फ पुअर लोगों का नाम होना चाहिए इस लिस्ट के अंदर. होता क्या फिर देखो, एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबरर हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट, येट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट. अब ये कहते हैं कि बिरजू का नाम कैसे यहाँ पे है, बिरजू का नाम होना ही नहीं चाहिए. वही जो हमारा ओम प्रकाश है उसके पास तो अपनी जमीन भी नहीं है, वो बेचारा कैसे कैसे करके अपना गुजर बसर कर रहा है, उसका नाम तो है ही नहीं इस लिस्ट के अंदर. You know that both Natwar and Birju are friend of Amir Chand, who can counter Amir Chand's power. अब कोई कहता है कि अरे Natwar और Birju तो Amir Chand के दोस्त है, उसके power को, उसका जो power है उसको कौन counter कर सकता है, उसको कौन बोल सकता है कि इनका नाम मत डालो. अब ऐसी बातें हो रही है. सुखी कहता है Amir Chand was earlier Jamindar of village and still has control over a lot of land, but we should get Om Prakash name put in. अब बोल रही है बात की अच्छा ठीक है यार, अमीर चंद बड़ा लैंड ओनर है, उसके पास ज्यादा जमीन है, ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश का क्या, ओम प्रकाश का तो नाम होना ही चाहिए. सुखी ने कह दिया भाई कि यार ऐसे ऐसे नहीं चलेगा. देखो जो दो इंसान ज्यादा मिल जाए, दो इंसान ज्यादा को बीपीएल में जगह मिल जाए, लेकिन जो हकदार है उसका नाम तो होना ही चाहिए. हुआ क्या, द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिसेस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ Anyone has anything to say. अब सरपंच ने कहा कि सभी लोग कानाफूसी कर रहे हैं. उसने सोचा बात क्या है, तो कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ कहना है, बोलना है, कुछ अपनी राय रखनी है तो बताओ. सूरज tries to provoke, सरोज tries to provoke सूरजमल to ask about Natwar and Birju. अब सरोज कहते हैं, सरोज कहते हैं बोलो बोलो बोलो, लेकिन हमारा सूरजमल नहीं बोलता कुछ भी. अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग आई ऑन एवरीवन. क्यों नहीं बोलता, क्योंकि अमीर चंद बैठा है, वो बहुत पावरफुल इंसान है, वो इसीलिए इस पंचायत में बैठा है कि वो देख रहे कहीं कुछ कोई बोले ना हमारे Natwar और बिरजू के लिए. Then Saroj gets up and say that Om Prakash name should be in BPL list. Other agrees that he and his family are very poor. अब बेटा बेचारा सरोज से रहा नहीं, अब कहते कि अरे मुझे ही बोलना चाहिए. वो खड़ा हुआ, उसने क्या कहा कि ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में नहीं है और होना चाहिए, और सभी ने इस बात से एग्री किया कि बहुत पुअर है. द सरपंच आस्क्ड हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट, द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिलीज सेज ओम प्रकाश's house was locked when I went there. He may have gone somewhere to look for work. The sarpanch gave instruction that Om Prakash's family income be looked at, and if it is less than what has been decided by government, his name should be included in the list. तो सरपंच कहते हैं कि अरे भाई इसका नाम क्यों नहीं है. जो इंसान ये लिस्ट बना रहा था, जो हर किसी के घर में जाके डाटा ले रहा था, वो कहते हैं कि ओम प्रकाश उस वक्त नहीं था जब मैं ये सर्वे कर रहा था, मैं उसके घर गया था, मैंने देखा भी था, पर मुझे वो मिला नहीं. तो सरपंच क्या कहता है, कहता है कि ठीक है तुम अगली बार जाओ और ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम का पता करो, और देखो कि उसकी जो इनकम है वो अगर बीपीएल से नीचे है तो उसकी क्या पता करके उसका नाम इस लिस्ट के अंदर डालो. सो हमने यहाँ पे देखा कि जो ग्राम सभा है उसके अंदर कैसे वर्किंग हो रही है. इस वर्किंग को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. सो आई विल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस. बाय.